कैरी मिनाती को यूट्यूब से पंगा लेना पड़ा महंगा। कैरी मिनाती के वीडियो ने यूट्यूब को हिला कर रख दिया, इसलिए यूट्यूब ने कैरी मिनाती का लेटेस्ट वीडियो किया डिलीट। अगर आप यूट्यूब पर थोड़ा भी एक्टिव हैं तो कैरी मिनाती यानी कि अजय नागर को अच्छे से जानते होंगे। हाल ही में इंटरनेट पर अजय नागर तब हॉट टॉपिक बन गए जब उन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो यानी कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड में टिकटॉक स्टार आमिर सिद्दीकी को रोस्ट किया था। इस वीडियो ने कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए थे। ये वीडियो भारत का सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाला वीडियो भी बन गया था। अब कैरी और उनका वीडियो फिर से ट्रेंडिंग में है, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। जी हाँ, इस बार वजह वीडियो को हटाए जाने की है। दरअसल YouTube ने कैरी मिनाती के YouTube वर्सेस TikTok वीडियो को गाइडलाइंस के खिलाफ मानते हुए अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। अब कैरी के वीडियो लिंक पर क्लिक करने पर दिस वीडियो हैज बीन रिमूव्ड फॉर वायलेटिंग YouTube's पॉलिसी ऑन हरासमेंट एंड बुलिंग मैसेज लिख कर आता है, यानी कि इस वीडियो को YouTube की हरासमेंट और बुलिंग पॉलिसी के खिलाफ पाए जाने के कारण हटा दिया गया है। पिछले महीने भर से इंटरनेट पर दो कम्युनिटीज के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। इसका नाम है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक या यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स। इसकी शुरुआत एक और रोस्टिंग यूट्यूबर एल्विश यादव ने एक वीडियो के जरिए की थी। उसके बाद कई और लोगों ने टिकटॉक कम्युनिटी को रोस्ट किया। मामला तब आगे बढ़ा जब बड़े और नामी टिकटॉकर टीम नवाब के आमिर सिद्दीकी ने एक IGTV वीडियो अपलोड किया और उसमें यूट्यूब और टिकटॉक के बीच कई बातों को लेकर तुलना की। इसमें उन्होंने कई ऐसे फैक्ट्स रख दिए जो यूट्यूबर्स और फैंस को पसंद नहीं आए। आमिर के वीडियो के बाद भारत में रोस्टिंग कल्चर लाने के लिए पहचाने जाने वाले कैरी ने अपना वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने आमिर सिद्दीकी को रोस्ट किया। इसमें कैरी ने गालियों का भी इस्तेमाल किया। इस वीडियो को अपलोड करते वक्त कैरी मिनाती के चैनल पर 10.5 मिलियन के करीब फॉलोअर्स थे, जो कि अब वर्तमान में 16.5 मिलियन से अधिक हैं। इस वीडियो ने पूरे यूट्यूब को हिलाकर रख डाला था। वीडियो पर 60 मिलियन से अधिक व्यूज और 10 मिलियन से अधिक लाइक्स मिले। इसके साथ ही ये वीडियो भारत का सबसे अधिक लाइक किए जाना वीडियो भी बन गया था। अपलोड होने के 5 दिन बाद यूट्यूब के वीडियो को ये कहकर हटा दिया गया था कि ये उसकी गाइडलाइंस के खिलाफ है। इसके बाद से हर सोशल प्लेटफॉर्म पर हैशटैग जस्टिस फॉर कैरी ट्रेंड कर रहा था। कैरी मिनाती के फैंस ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब को खरी खरी सुना रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि यूट्यूब ने केवल कैरी की ही नहीं बल्कि बाकी रोस्टर्स यानी कि एल्विश यादव और लक्ष्य चौधरी के टिकटॉक रोस्ट वीडियो को भी अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। एक्टर हिमांश कोहली ने भी ट्वीट कर कैरी को सपोर्ट किया है। 20 साल का अजय नागर फरीदाबाद का रहने वाला है। कैरी शुरू से ही कई बड़े एक्टर्स की मिमिक्री करता रहा है। अपने इस पैशन के कारण उसने अपनी 12वीं की परीक्षा भी छोड़ दी थी। फिलहाल वे ओपन स्कूलिंग के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हुआ। असफलता से हार नहीं मानी और फिर से एक नया यूट्यूब चैनल बनाया, जिस पर वे कई स्टार्स की मिमिक्री करते दिखे और इसका नाम सनी देओल रखा और बाद में बदल कर कैरी देओल कर दिया। वह चर्चा में तब आए जब उन्होंने जाने माने यूट्यूबर भुवन बम को रूस्ट किया। इसके बाद उनके सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़े। फिलहाल भारत के जाने माने यूट्यूबर्स में से अब एक हैं। यहां तक कि साल 2019 में नामी मैगजीन टाइम्स ने उन्हें अपनी नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स 2019 की लिस्ट में जगह भी दी थी। उनका एक और चैनल है जिस पर वे रोज लाइव आकर गेम खेलते हैं और चिट चैट भी करते हैं। फिलहाल के लिए ये है कि अब कैरी मिनाती का ये वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैरी मिनाती का इसके बाद अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।